नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? और सब कोरोना नेगेटिव होंगे? अभी हालचाल से ज़्यादा कोरोना नेगेटिव या पॉजिटिव पूछने को दिल करता है, तो अपना ध्यान रखिए। तो आज जो है बाहर नहीं जा पाए, अभी बहुत गर्मी है, इतना गर्मी है कि कैमरा गर्म होकर ओवर हीटिंग इशू आ जाता है, कैमरा बंद पड़ जाता है। अब मुझसे नहीं होगा भाई, मुझे ऐसे पे ले चल, इस तरह गिर गिर आता है कैमरा मोबाइल जो भी हो बाहर इतनी गर्मी। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी फनी क्लिप है उनको रिएक्शन देने वाला, कुछ बातें करूँगा, हंसाने की कोशिश करूँगा, वीडियो के बने रहे एंड तक। तो इसी तरह एंटरटेनमेंट करते हैं, चलिए फिर देखते हैं सबसे पहला क्लिप। अब यही दीदी को देख लीजिए, ये दीदी जो है ना, मतलब किसी के ज़िंदगी में घुस के उसको नचा रही है, लेकिन जहाँ शादी ब्याह हो गया वहाँ खुद नाच के कैमरे में भी घुसना चाहती है। देख लेते वीडियो। दीदी बस हो गया, किसी के जिंदगी में घुस के उसको नचा रही हो, कैमरे पे घुसने की कोई जरूरत नहीं दीदी, कैमरे पे रहम करो। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए आप, ये जो है किसी चीज को टच नहीं करना है कोरोना वायरस के लिए, और वो जिस चीज को टच कर रहा है उसके बाद फिर सैनिटाइज कर रहा है साफ। एक चाइना ने ही पैदा किया कोरोना, उसी ने सबसे पहले रिकवरी कर ली, ऐसे मशीन बना रहे हैं जैसे कि लिफ्ट को छूना ही नहीं वो बना लिए। हम कहाँ से बना पाएंगे, हमारे पास टाइम कहाँ है बाबू, ऊँचू मुचू करने जब फुर्सत मिलेगा तब बनाएंगे ना ये सब चीजें। अब इस ट्रैक्टर को देख के मुझे लग रहा है कि मुझे भी जिम्मेवारी का जो बोझ है ना इतना ही है इस ट्रैक्टर की तरह, ट्रैक्टर से ज्यादा मुझे खुद पे दया आ रही है। ये जो गुटके वाले हैं ना, इनको आप कहीं भी नहीं रोक सकते, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, ससुराल हो, बड़े हो, छोटे हो, खा के कहीं ना कहीं पेंट कर ही देंगे, इन्हें ही देख लो। मतलब सेल्फी लेने का भी एक जगह होता है ना, हाँ सेल्फी लेने का मतलब बाथरूम, ऐसे नाले, छोटे मोटे लकड़ी के ब्रिज, यही मिले थे तुम्हें सेल्फी लेने के लिए। अब लो सेल्फी, ये ले सेल्फी लेने आए थे सब लोग, ब्रिज ने उनके साथ अलग ही सेल्फी ले ली। यही देख लो ऑस्ट्रेलिया का कचरे का डिब्बा। अब हमारी कंट्री की कचरे की बात करें तो कचरा इतना भरा पड़ा है, कचरा साफ करने वाला कचरे में गुम हो जाएगा, और ऐसे बकेट रखे तो रात को रखो सुबह नहीं मिलेगी। उसके बाद इस कचरे भरने की वजह से सबके दिमाग में साइड इफेक्ट होकर ना कचरा भरने लग गया। अब गाना सुनो भाई, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन गाना सुनते सुनते तुम दूसरों का इतना नुकसान कर दोगे उसके बाद तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई। ये जो देखिए, ये जैसे कि रोटी बन रहा है गल्फ कंट्री में, पूरे गल्फ में, बाकी कंट्रियों के मुझे पता नहीं, तो दुकान में मिल जाते हैं रोटी, मतलब इंडिया का 20 रुपए में 6 पीस रोटी मिल जाता है, तो महिलाओं को आराम भी मिलता है, क्योंकि यहाँ माना जाता है कि रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है और होती भी, और हमारी कंट्रियों की महिलाओं को मेरा एक सल्यूट। जैसे कि गर्लफ्रेंड बाबू पूछे मुझे खेलता है ना, किसी के 2 बॉयफ्रेंड रहते हैं, किसी के 2 गर्लफ्रेंड रहता है, तो कभी पकड़ाव में आ जाता है, तो एक को संभालने के चक्कर में दोनों खो बैठता है ना, ठीक उसी तरह ये वीडियो भी है, देख लीजिए। एक को बचाने के चक्कर में दूसरा भी टूट गया, इसी तरह रिश्ते भी टूट जाते हैं एक को बचाने के चक्कर में। बेटा अब एक तो आया था थप्पड़ वाला गेम बीच में, उसके बाद ना जाने कितने क्या क्या गेम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना तो जिंदगी मेरे साथ गेम कर रहे हो, उसको मैं नहीं खेल पा रहा, ये कौन सा गेम है भाई, क्या क्या लेके आ रहे हो तुम लोग। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। फाइनली एक तरफ से डालूंगा आलू, दूसरी तरफ से निकलेगा सोना, वो मशीन मिल गया, किस किस को चाहिए मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करे, मैं सबके घर में, और गलती से वहां सोना मत डाल देना, आलू होके निकलेगा फिर, ठीक है। जब पड़ोसी में झगड़ा होता ना, तो पड़ोसी इसी तरह झाँक के देखते हैं, सेम इसी की तरह, जान नहीं सकते क्या हो रहा है, बीवी किसका झगड़ा, सेम इसी तरह झाँक के देख रहे होते।
Hey, somebody come get her, she dancing like a stripper. Somebody come get her, she dancing like a stripper. अब इस कारीगरी के देखो क्या नाक नचा रही है, बाप रे बाप, क्रिएटिविटी है, क्या कारीगरी है, क्या कारीगरी है, वाह भाई वाह। जा रहा था हड़बड़ी में, नजर ही नहीं आया, मतलब ड्राइवर पक्का मोबाइल चला रहा था मुझे जहाँ तक लगता है। बंदर चढ़ गया बस में और कंडक्टर ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है, बोलता है मैं जहाँ जाऊँ जहाँ उतरूँ मेरी मर्जी, तू अपना काम कर, बंदर ने सीधे उसके मुँह पे बोला, नहीं कान पे बोला। तो आई होप दोस्तों आप सबको पसंद आया वो वीडियो, ठीक है, इसी तरह देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। और क्या कैसा लगा, क्या ऐसा वीडियो और मुझे बनाना चाहिए, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि अभी गर्मी है, एक दो महीना शायद बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल ब्लॉग नहीं कर सकता, इसी के लिए मेरा यही है कि आप अगर इस तरह की वीडियो, रिएक्शन वीडियो, इस तरह की कमेंट वीडियो देखना पसंद करते हो तो बोलो मुझे, मैं इसी तरह के वीडियो बनाऊँगा, हंसाते रहूँगा। अभी एक दो महीना बाहर जाना, मतलब कोरोना वायरस और मौसम हमारे पीछे ऐसे पड़े हैं ना जैसे कोई अपने रिश्तेदारी भी नहीं पड़ा, तो इसी के लिए मेरा यही बोलना है कि आप देखो, एंजॉय करो वीडियो को। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आई होप आप सब ने एंजॉय किया हो, इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और कोरोना नेगेटिव रहे हमेशा। बाय बाय।